हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लाउज की कटिंग करी थी और इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। और हमारा मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों, बाहें की पैटर्न। तो मैं आस्तीन की पैटर्न बताने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कर देना। इससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल कलर के बटन को दबाकर, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने ये अस्तर हैं जो ब्लाउज की, ये जो आस्तीन है इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी पैटर्न करेंगे। तो मैं अस्तर इस पर सेट कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से आस्तीन को सेट कर लिया है। अब बीचों बीच में हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए, जो हमारा सेंटर बिंदु है वहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से, और उसको कट कर देंगे बीच में से। तो इस तरह से मैं मार्क लगा दूंगी। अब इस तरह से मैंने मार्क लगा दिया है, और नीचे की तरफ गोलाई देते हुए जैसे मार्क लगाया है वहाँ पे हम उसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच ले लेंगे हम। इन आस्तीन को दो तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, एक को स्टिच करके कट करेंगे और एक को मार्क लगा कर कट करके फिर हम इसे आस्तीन को तैयार करेंगे। आस्तीन को हम दूसरे तरीके से सेट करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे और मार्क्स लगाएंगे, और फिर उसे आधा इंच लेकर उसको हम कट करेंगे। इस तरह से सीधा रखेंगे और दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्क लगा देंगे।
और फिर उसे कट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों आस्तीन को कट कर दिया है। अब हमें इसे अस्तर को लॉक करने के लिए स्टिच कर देंगे और हल्की सी नीचे की तरफ हम गोलाई देंगे, आधा इंच की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। और इस नाप का जो हमने वो पट्टी कट की है, उस नाप की हम उसके डबल की नाप की हम उसे अस्तर वाली पट्टी सेट कर लेंगे इस तरीके से। इन दोनों पट्टियों को अस्तर के साथ अटैच करके हम इसको साइड में कर देंगे। अब हम आस्तीन के एक पीसेस को लेकर इस तरह से पाइपिंग सेट करेंगे और पाइपिंग को हम लगा लेंगे इस तरह से। दोनों पे हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है और नीचे से जो हमारा कोना है इस तरह से उसे थोड़ी हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक पैटर्न एक आस्तीन पे तैयार कर ली है। अब दूसरी मैं इस तरह से आपको बना के तैयार करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बनाई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा जो पीसेस है जो हमने दो इस तरह से अस्तर लगा के बना दी थी, इस नाप की जो हमने कट किया था उसे इस तरह से पाइपिंग लगाना है। इस पीसेस पे इस तरह से हम पाइपिंग सेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने एक पीस आस्तीन का तैयार कर लिया पाइपिंग लगा के। अब दूसरा इस तरह से भी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों पीसेस को तैयार कर लिया है। अब हमें बीच वाली पैटर्न है इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से डबल लिया था और इस पे भी पाइपिंग मैंने सेट कर दी है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस पीसेस को नीचे से गोलाई लेते हुए हमें इस तरह से पाइपिंग सेट कर लेनी है। गोलाई दे देंगे हम उसे, आप जितना चाहे उतना हल्का गोल बना देते हैं, हल्का सा कट करके गोल बना दीजिए। और इस तरह से इसके ऊपर हम पाइपिंग सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप पूरी पाइपिंग भी सेट कर सकते हैं, आधी भी, जैसे चाहे वैसे आप उस पाइपिंग पे सेट करके इस तरह से इसकी स्टिच लॉक कर दीजिए और इसे इस तरह से बीच में उसको सेट कर लेना है। इस तरह से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से इसे सेट कर लेना है और हमें स्टिच करना है।
अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी ये दोनों आस्तीन तैयार हो गई हैं। इस तरह से देखिए, अब हम ब्लाउज के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से जो हमारा मार्क्स बिंदु है उसको सेट करके इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे दोनों को ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो ब्लाउज का जो अस्तर है उसे मैं सेट कर लेती हूँ, फिर उसके साथ इसे अटैच करूँगी। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी ये पैटर्न आस्तीन पर इस तरह से सेट होकर बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनके तैयार होगा दोस्तों। तो इस तरह से मैं इसको अब सेट करते हुए मार्क लगाकर इसकी स्टिचिंग कर दूंगी साइड से, और फिर मैं आपको किस तरह से हमारी आस्तीन लग रही हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से साइड से स्टिच कर लेती हूँ। से मैंने ये ब्लाउज स्टिच कर लिया है। इस तरह से मैंने आपको ये जो आस्तीन की जो पैटर्न है वो बना के दिखाई है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो फुल कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप अच्छे से कटिंग करना सीख सकते हैं और स्टिचिंग करना सीख सकते हैं, अस्तर लगाना सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आस्तीन की जो पैटर्न है वो बताई है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी जो पैटर्न है बहुत सुंदर बन के तैयार हुई, आप भी इसे बना सकते, पसंद आए तो लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पर्स बैग बनाना सिखाऊंगी, तो मेरा वीडियो देखते रहिए और नए नए वीडियो मैं लाती रहूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग।